देश में दिन प्रतिदिन बढ़ते बलात्कार और हत्या के मामलों के बीच इन भीषण घटनाओं पर रिएक्ट देने के लिए सेलेब्स और अन्य प्रतिष्ठित व्यक्ति अपने सोशल मीडिया पर रिएक्शन दे रहे हैं। कई लोगों ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आग्रह किया है। ऐसे में फिल्म मेकर डैनियल श्रवण ने ट्विटर पर WTF कहते हुए बढ़ती अपराध दर से निपटने के लिए एक चौंका देने वाला उपाय दे दिया है। श्रवण ने अपनी पोस्ट में, जिसे अब हटा दिया गया है, एक सुझाव दिया है कि पुलिस सहायता के लिए कॉल करने की बजाय महिलाओं को कंडोम ले जाना चाहिए और बलात्कारियों के साथ सहयोग करना चाहिए ताकि खुद को मर्डर से बचाया जा सके। श्रवण का दावा है कि हिंसा के बिना बलात्कारों को वेद बनाना बलात्कार पीड़ितों की क्रूर हत्याओं को कंट्रोल करने का एकमात्र तरीका है। हत्या एक पाप और अपराध है, बलात्कार एक सुधारात्मक सजा है। निर्भया एक्ट या कोई अन्य एक्ट में न्याय नहीं होने वाला। बलात्कार का एजेंडा उस समय या मनोदशा के आधार पर बलात्कारियों की यौन जरूरतों को पूरा कर रहा है। ये सारी बातें फिल्म निर्माता ने अपने फेसबुक पोस्ट में कही। श्रवण का ये पोस्ट किसी का भी खून उबालने के लिए काफ़ी है, क्योंकि आगे की पोस्ट में लिखा है कि अगर ये अड़ियल टोटके बलात्कारियों द्वारा किए गए प्रस्ताव के लिए सहमति नहीं देते तो उनके पास बलात्कार करने के अलावा कोई रास्ता नहीं होगा। बाद में उन्होंने फेसबुक पर अपने सभी पोस्ट हटा दिए और अपनी टिप्पणियों के लिए माफ़ी मांगते हुए एक नया संदेश पोस्ट किया। उन्होंने अपनी टिप्पणियों का समर्थन करते हुए कहा कि लाइनें आने वाले फिल्म के खलनायक की थी और उनके दर्शकों ने उन्हें गलत समझा है। हालांकि पोस्ट ने ट्विटर पर ध्यान आकर्षित किया है और इस पर सेक्रेड गेम्स की अभिनेत्री कुब्रा सेत ने लिखा कि डैनियल श्रवण को मेंटल हेल्प की ज़रूरत है। डैनियल का यह पोस्ट 27 और 28 नवंबर की रात को तेलंगाना के रंगा रेड्डी ज़िले में शादनगर के बाहरी इलाके में हुए एक महिला पशु चिकित्सक के कथित रूप से चार लोगों ने सामूहिक बलात्कार किए जाने और उसकी हत्या किए जाने के बाद की है और इस पोस्ट पर लोगों का जमकर गुस्सा फूट रहा है। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.